वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 18, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपके हौसले और जज्बे को देखा जाएगा। कहा जाता है कि मेहनत उन्हीं की रंग लाती है जिनके मेहनत में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो यहाँ पे हौसला जिसका जितना मजबूत रहेगा वो उतनी ही ऊंचाइयों पर जाएगा। इस लेसन के बारे में यही देखा गया कि बिहार की कुछ ऐसी भी लड़कियाँ जिनको काफ़ी ज़्यादा रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हुई, रास्ते में काफ़ी रुकावट उत्पन्न हुआ, फिर भी उनसे मतलब लड़ते हुए और अपने गोल्स को अचीव की, यानी कि उस हौसले को टूटने नहीं दी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली। बिहार की कुछ ऐसी ही लड़कियों के बारे में यहाँ पे जिक्र इस लेसन में किया गया है, जिनको पुराने पुराने प्रथा, रूढ़िवादी प्रथाओं ने जकड़ के रखा है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर्दे से बाहर होना गुनाह है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब से लड़ करके, समाज से लड़ करके, और फिर भी उन्होंने अपने हौसले को कमज़ोर नहीं होने दिया और फिर भी वो उस ऊंचाई पर पहुंची, उन्हीं लड़कियों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखिए, आधुनिक बिहार की बेटियों का संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान, यहाँ पे समाज की रूढ़ियों पर प्रहार, यहाँ पे समाज की रूढ़िवादी जितना भी नियम है जो स्त्रियों के लिए लागू होता है उस पर प्रहार किया गया है, ताकि अपना देश ग्रोथ करे। आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है, कि आजकल लड़कियां कितने आगे जा रही हैं, या आप देख भी रहे हैं, ठीक है, उसी का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। लड़की है एक गुड़िया, दूसरी सोनी, कदम और जैनब खानम, ठीक है, चार लड़कियां। यहाँ देखते हैं गुड़िया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये कहाँ की है, ठीक है, जिला रोहतास बिहार में ही आता है, ठीक है, जिला रोहतास यानी कि बिहार की ही घटना है। नोखा प्रखंड के जिला रोहतास में माता पिता पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, वो डर रहे थे कि समाज इनको रहने नहीं देगा समाज में, इसीलिए वो पढ़ाई से मना कर रहे हैं। अपने पिता मोहम्मद आसीन इद्रिसी और माँ समेत वो क्या कर दी, घर में बंद करके, और पढ़ने का उसके अंदर इतना जुनून था कि अपनी मम्मी और पापा को घर में एक रूम में बंद करके और वहाँ से भाग गई 13 मील दूर, ठीक है, वहाँ से 13 मील दूर एक उत्प्रेरक केंद्र था, उसमें पढ़ने के लिए जाके अपना नामांकन करा ली। ठीक है, 2 दिन बाद पिता को पता चला कि आखिरकार उनकी बेटी कहाँ गई है, तो पता चला वो उत्प्रेरक केंद्र गई है, और वहाँ पर जा कर के अपनी बेटी से काफ़ी रिक्वेस्ट किए घर चलने के लिए, क्योंकि वो डरते थे समाज से और समाज के पुरानी घिसी पिटी रूढ़वादी नियमों से, ठीक है, उससे काफ़ी ये डरते थे। और इन्होंने क्या किया, जाके नामांकन जब ये ले ली तो वहाँ से ये हार मान के वापस आ गए। लेकिन एक चीज़ और था, कुछ दिन के बाद से उत्प्रेरक केंद्र बंद हो गया, उसके बाद से इन्होंने गाँव में आकर के अपना नामांकन कराया, कौन, गुड़िया, यानी कि काफ़ी समाज के प्रेशर रहने के बावजूद भी, ठीक है, गुड़िया हार नहीं माने, इनका हौसला इतना मजबूत रहा। और ये पढ़ करके अध्यापिका बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि अगर हम अध्यापिका बन जाए तो अपने जैसी जितनी भी लड़कियां हैं जिसके अंदर पढ़ने का जुनून है उन्हें ये पढ़ाएंगी, ठीक है। तो बताइए, ऐसी लड़की को सत सत नमन है। अब यहाँ देखिए, दूसरी लड़की है सोनी, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान ले। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की पुत्री, जो ये विष्णु शंकर तिवारी हैं, अपने बेटी पर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो एक लड़की है, ठीक है, और इन्होंने सारे समाज के रूढ़िवादी नियमों को तोड़ते हुए, ठीक है, अपनी बेटी को कुछ करने के लिए मौका दिया। और वहाँ पर देखिए, जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर के रेस में, ठीक है, दौड़ का जो रेस होता है उसमें फर्स्ट रैंक पर ये आई है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, सोनी है। और यहाँ पे जब ये खेली उसके बाद से ये राष्ट्रीय खेल राजस्तरीय जब दौड़ पर गई, ठीक है, तो वहाँ भी इन्होंने फर्स्ट रैंक किया, यानी कि जमालपुर में प्रथम स्थान लाई। उसके बाद से ये राष्ट्रीय यानी नेशनल खेलने की सोची, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर ये चौथे स्थान पर आई, जबकि इनका हौसला टूटा नहीं और ये उम्मीद पर अभी भी मतलब क्या था, लगी रही कि हम पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे और एक नंबर स्थान पर आएंगे। ये अपने बिहार की घटना है, हमें अपने बिहार पर गर्व करना चाहिए। हमारे अंदर काफ़ी टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को दिखाने के लिए एक मंच होना चाहिए और वो मंच हम लोग ढूंढें अपने लिए। यहाँ देखिए,
कदम अब देखते हैं, ये जो लड़की है थोड़ा सा यहां पे देखते हैं, गणेशपुर मसारी मुसारी यहां पे बख्तियारपुर प्रखंड जिला है, यहां पे देख सकते हैं मुंगेर, ठीक है, यहां पे नरेगा स्थान, यहां पे ये लड़की क्या कर रही है कि नरेगा जो स्थान होता है जहां नरेगा में काम किया जाता है उसमें छोटे छोटे बच्चों को काम कराया जाता है, जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई किया करते हैं उस उम्र में बच्चे श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए इन्होंने ठेकेदार से ही लड़ाई करना शुरू कर दी कि कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। ये नहीं समझती थी सामने वाला व्यक्ति कितना खतरनाक है, सिर्फ अपने इरादों को मजबूत करके और सामने वालों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती थी, ठीक है। इनके पिता का नाम है देखिए जितेंद्र मांझी और माता शांति देवी, वो इनकी इकलौती पुत्री थी, कौन, कदम, ठीक है। और ये डॉक्टर बनना चाहती थी, कदम डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गरीबों को ये काफी मदद पहुंचा सके, ठीक है। अब अगला देखिए जैनब खानम, देखिए जैनब खानम ये भी बहुत स्ट्रगल किए हैं अपने जिंदगी में, बहुत संघर्ष किए हैं और तब जाकर के ये कुछ बनी है, यहाँ पे मेहनत तो बहुत ज्यादा की है। और देखिए इनको समाज कैसे कैसे भाव में रोकता है, मथुरा की रहने वाली यानी कि कहतरवा पंचायत जिला शिवहर, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे गरीब कोई जिला है तो वो है शिवहर, ठीक है। 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती है, कौन, जैनब खानम, ठीक है। और इनके पिता का, जैनब खानम के पिता का नाम था मंसूर और माता का नाम था, ठीक है, फुल बीबी। ये लोग इनको पढ़ने नहीं देना चाहते थे, समाज से डरते थे, वही बात थी, ठीक है, समाज के घिसी पिटी नियमों के से डरते थे ताकि समाज इन पर कोई उंगली नहीं उठाए। समाज में ऐसे ऐसे नियम थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कारण था पर्दा प्रथा की जकड़बंदी कि महिलाओं को पर्दे से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। फुल बीबी काफी अपनी बेटी को पिटाई भी करती थी कि तुम स्कूल मत जाओ, पीट कर भी जैनब खानम स्कूल जाती थी, उनके अंदर इतना जुनून था, उनका हौसला पिटाई से नहीं टूटा, ठीक है। और उन्होंने मतलब स्कूल जाते हुए भी उन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है, और आज वो बीए पास हैं। और अपने रक्षा के लिए, ठीक है, यानी कि आत्मरक्षार्थ कराटे का भी प्रति मतलब क्या करें प्रशिक्षण देती हैं, यानी शिक्षा देती हैं, वो बच्चियों को भी कराटे सिखाती हैं, ठीक है, जो भी कराटा होता है, ताकि सेल्फ डिफेंस सीखने से ये फायदा हुआ कि बच्ची जो भी हैं लड़कियां अपना खुद की रक्षा कर सके। तो ये भी इनका भी हौसला टूटा नहीं और जो ये पर्दा है, पर्दा प्रथा, ये खत्म की हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस समाज में जितने भी ये सब नियम चल रहे हैं, ठीक है, जो सारे नियम लड़कियों के लिए लग रहे हैं कि लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, समाज क्या बोलेगा, ठीक है, तो ये जितने भी रूढ़िवादी पुरानी घिसी पिटी प्रथा ये गलत है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है, डेवलप होना है, ठीक है, तो सबको कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।